वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ का सेवन चैप्टर मैथमेटिक्स का निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में देखेंगे। यहाँ हर एक लाइन बाय लाइन क्वेश्चन समझेंगे। अगर आप इसका बेसिक नहीं देखे होंगे, अगर ये पूरा लेसन आप नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले वाले जो आपको क्वेश्चन डाला गया है उसका पूरा का पूरा बेसिक और परिचय दिया गया है आपको, अगर वो वीडियो देख लेते हैं तो निर्देशांक ज्यामिति का हर प्रकार के फॉर्मूला का ट्रिक आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो जाइए प्लेलिस्ट खोलिए और जाकर के चेक कीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम करीब है तो वो वीडियो देखना जरूरी है। एग्जाम के एक रात पहले बाबू अगर वो वीडियो देखते हैं तो उस लेसन से जो भी होगा, एक ही वीडियो में पूरे लेसन का निचोड़ है और फॉर्मूला का ट्रिक है, ऑब्जेक्टिव है। 30 या 35 मिनट का वो वीडियो होगा, बहुत ही जबरदस्त होगा। ये 7.1 का वन नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दूरी फॉर्मूला। दूरी का मतलब क्या होता है? एक यहाँ पे कोई मान लीजिए लड़का है, एक यहाँ पे कोई लड़का है, आई दोनों के बीच कितना दूरी पर खड़ा है वही दूरी फॉर्मूला है, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन क्या है, 2.3 एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, फिर दूसरा पॉइंट क्या हो गया, 4.1। आप पूछ रहा है इसके बीच की दूरी निकाले, दूरियाँ निकाले। तो दूरी का फॉर्मूला तो आपको बताए ही थे, दूरी बराबर होता है अंडर रूट, ठीक है। अंडर रूट क्या होता है, x2 - x1, याद ये रख लीजिए, का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 हो गया 4 - x1, ये वाला देखिए ये एक नंबर का हिस्सा है, ये वाला कितना है, 2 नंबर का, यानी 2 नंबर का है। तो 2 बोला है ना, तो 2 में जाइएगा, ये पहला वाला x होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर अब प्लस ये हो जाएगा 1 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। y2 y1 हो गया, 4 में से 2 जाएगा 2 का स्क्वायर अब प्लस ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, ये भी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 4 8 होता है, 8 को तोड़िएगा तो हो जाएगा 2√2। ये इतना आंसर आया, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हम लोग बिना देर किए फास्ट चलते हैं, 2 नंबर बनाते हैं। इसका भी बीच का दूरी निकालना है ना, तो ये आप खुद बनाइए, सेम करना है। x2 माने वो एक नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये हिस्सा है कि नहीं, ठीक है। लाइन से गिनेगा तो 1-2 हिस्सा है, ठीक है। तो 2 में x2 होता है, तो यहाँ 2 के जगह ये भरिएगा, x1 ये भरिएगा, y वाला ये हिस्सा है, y2 सॉल्व कीजिएगा। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको ये बना के कमेंट करना है कि कितना आंसर आना है, बनाइएगा जरूर। एग्जाम करीब है, लापरवाही कीजिएगा फिर आपके साथ लापरवाही हो जाएगा। ये वाला हम क्वेश्चन बताते हैं, इसका क्या करना है, इसका भी दूरी फार्मूला से निकालिए। दूरी फार्मूला होता क्या है, दूरी फार्मूला होता है 2 में से क्या कर दो, 1 को घटा दो, ठीक है, स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस ये भी 2 में से 1 को घटा दो, y वाला, ठीक है। x2 ये x2 है ना, तो ये हो जाएगा -a, और माइनस x1 कितना है, a का स्क्वायर, प्लस y2 है -b, और y1 कितना है, b का स्क्वायर। माइनस में a और माइनस में दोनों का सिंबल सेम है तो जोड़ेंगे तो माइनस में 2a का स्क्वायर और प्लस माइनस में 2b का स्क्वायर। दो दूना कितना होता है, इसको स्क्वायर तोड़िएगा तो हो जाएगा 4a स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस, जब इसको तोड़िएगा तो कितना होगा आपका, हो जाएगा ये 4b स्क्वायर। ये दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, दोनों में 4 का टेबल दिख रहा है, तो 4 बाहर निकालोगे तो बचेगा यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 को बाहर निकालिए, 4 का वर्गमूल होता है, 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बाहर नहीं निकल सकता है। आप सोच रहे होंगे कि सर हम निकाल नहीं सकते हैं, यहाँ स्क्वायर है तो आप तो जानते हैं, आप तो खुद बताए हैं कि स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाता है। तो चलिए ठीक है, हम बताए हैं स्क्वायर से ये अपने लिए रूट हटा देगा, ये हटा देगा, लेकिन प्लस तो रूट में रह जाएगा ना। पता है इसका आंसर कैसे आ जाएगा, ये ए बाहर हो जाएगा, बी भी बाहर हो जाएगा, लेकिन अंदर में प्लस ऐसे रह जाएगा। प्लस के लिए तो बेचारा कुछ नहीं है ना, इस पर तो स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये बाहर नहीं होता है। पूरा होल स्क्वायर रहता तो बाहर हो जाता है, ठीक है। तो इसका यही आंसर आपका हो जाएगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उम्मीद करते हैं कि एक नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस 2 नंबर क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, ये भी क्या करना है यार, बीच की दूरी निकालना है सिंपल। अगर आप देखिए ये बहुत ही आसान है, फॉर्मूला का ट्रिक आपको पता है ना, ट्रिक याद नहीं करना है। देखिए वही चीज़ भूलिएगा जो याद कीजिएगा, तो भूलने से बचना है तो याद करना छोड़ दीजिए, और किस हिसाब से समझने की कोशिश कीजिए, हर चीज़ को समझिए, हर चीज़ का तरीका और ट्रिक होता है बाबू। यहाँ समझिए, इसके बीच की दूरी निकालना है भाई, तो ठीक है, एक पॉइंट है जिसका नाम है 0.0 और एक पॉइंट है जिसका नाम कितना है 36.15। ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है, यहाँ से यहाँ कितना दूर है, तो दूरी निकालना हो तो दूरी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 - x1, यानी x2 - x1 और प्लस y2 -
वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक्स टू कितना है, 36 का, 36 माइनस वन जीरो लिख दो, ठीक है। अब प्लस वाई टू, वाई ये है आपका 15 और वाई वन हो जाएगा जीरो, तो जीरो लिखने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, लेकिन है तो लिख दे रहे हैं। 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर कितना होता है, तो देखिए छः चार का 36 के चौहत में 3 बचा, और छत्री 18, 18 दूना 36, 37, 38, 39 के 9 हाथ में 3 बचा, 3 तरीका 9, 10, 11, 12, ठीक है। अब प्लस 15, 15 225 होता है, इसको ऐड कीजिएगा तो 6, 5, 11 के एक हाथ में 1, 9, 2, 11, 1, 12 के दो हाथ में 1, 2, 2, 4, 1, 5 हो गया, और ये हो गया आपका 1, 15, 21, 15, 21 का वर्गमूल कितना होता है, 39 होता है। तो यही आपका आंसर हो गया 39। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ नहीं करना है, दूरी पूछा है ना, जहाँ पूछे दूरी बस दूरी का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ठीक है। इसमें कुछ अलग भी क्वेश्चन कभी कभी क्या करता है कि ई वाला दिया था तो यहाँ भर दे रहा है, कभी कभी एगो देवे ना करता है, लेकिन एक चीज़ देता है दूरी दे देगा। तो दूरी के सामने यहाँ मान लो कि कुछ दे दे, 2, 4, 5, तो जहाँ दूरी रहेगा वहाँ 5 भरना है, एक छोड़ देता है, तो आगे क्वेश्चन मिलेगा तो बताएंगे। तो बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन को समझिएगा क्या कह रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। निर्धारित कीजिए, माने यहां बताइए आपके क्या बिंदु 1.5, 2.3, -2, -11 संरेखी है। संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा पर, अगर एक ही रेखा पर तीन गो बिंदु हो तो उस रेखा को कहते हैं कि वो संरेखी है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि एक रेखा है और इस पर एक पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी, इस पॉइंट का नाम है सी, तो बोले हैं कि ये लाइन संरेखी है। लेकिन अगर हम ऐसे नाम रखें, ए यहाँ पे पॉइंट जिसका नाम है बी और यहाँ पे पॉइंट जिसका नाम है सी, तो पूछेंगे क्या ए बी सी एक ही रेखा पर है, तो कहाँ है, ए और बी रेखा पर है, सी तो इसके ऊपर है ना, तो अगर एक ही रेखा पर है तो उसे बोलते हैं संरेखी, आई एक ही रेखा पर नहीं है तो इसे बोलेंगे असंरेखी, ठीक है, असंरेखी। तो आप बताइए, यही क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे तीन ठो पॉइंट है, इस ए पहले वाले पॉइंट का नाम रख दो 1.5, दूसरे वाले का नाम रख दो 2.3, तीसरे वाले का नाम रख दो -2, -11। आप पूछ रहा है कि क्या यह एक ही लाइन पर है, इसको दिखाना है, तो उसके लिए तरीका क्या है, आप खुद देखिए कि यहाँ ए बी और बी सी, ए से बी या बी से सी दोनों लाइन को मिलाया गया है, ए बी और प्लस बी सी, तब जाके बड़ा वाला लाइन क्या बना है, ए सी बना है, ए बी और ए बी सी को मिलाने पर ए सी, तो इसके बीच की दूरी निकालिए, इसके बीच की दूरी निकालिए, और दोनों दूरी को जोड़ने के बाद ए सी का दूरी के बराबर आना चाहिए, यानी कि ए से सी निकलेगा वो बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए साथे में हम बनाते हैं कैसे, ए बी के बीच की दूरी फार्मूला लगाइए, कौन सा फार्मूला, दूरी, फिर इसके लिए दूरी फार्मूला, यहाँ बी सी के लिए, फिर पूरा के लिए दूरी फार्मूला ए से सी के लिए। तो पहले ए बी के लिए लगाइएगा तो ये घटाइए, क्या होता है दूरी फॉर्मूला में, ए बी के लिए बता रहे हैं, ए बी के लिए होता है एक्स टू में से एक्स वन घटाइए, टू में से वन घटाइए, ठीक है, ये आपका हो गया। अब प्लस थ्री में से फाइव घटाइए, ठीक है, वाई टू माइनस वाई वन, अब प्लस ए बी का हो गया। अब बी सी का देखिए, बी सी इसमें से इसको घटाइए, पहला वाला इसका क्या है माइनस दो, इसका पहला वाला माइनस दो का होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस माइनस ग्यारह में से माइनस तीन को घटाइए, ठीक है, ये हो गया ए बी का, ये हो गया बी सी का। अब ए सी का देखिए, अब बराबर में दीजिए, ये दोनों को जोड़ने के बाद ए सी के बराबर आना चाहिए, ए सी क्या है बाबू, तो ए से सी ये और ये पॉइंट है, तो इसमें से इसको घटाइए, अंडर रूट माइनस टू में से माइनस वन को घटाइए, अब प्लस माइनस ग्यारह में से किसको घटाइएगा, माइनस पाँच को घटाइए। अगर ये वाला और दोनों हिस्सा बराबर आ गया तो संरेखी है, अगर नहीं आया तो संरेखी नहीं है, यानी कि यही आपको रूल, ये वाला रूल को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये देखिए, तो दो में से एक जाएगा, एक का स्क्वायर है प्लस, ये हो जाएगा माइनस में दो का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, माइनस दो माइनस में चार का स्क्वायर और प्लस, ये कितना हो जाएगा माइनस में 14 का स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर दो आ एक माइनस तीन का स्क्वायर, अब हमको नहीं लग रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर आएगा, 11 और 5 कितना होता है माइनस 16 का स्क्वायर, ठीक है, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, दो का स्क्वायर चार हो जाएगा, अब प्लस ये चार चौका 16 और 14 हाँ कितना होता है 196 बराबर, तीन तरीका 9, अब प्लस 16 को दो बार लिखिएगा, 16 में 16 से 16 25 16 चौका 14 16 25 16 96 के चौहत में लगा 9, 16 एकम 16
और 16 और 9 कितना होता है, 16 चार 20, अब 20 और 5 25, 256 होता है। ठीक है, यहाँ देखिए 5 चार और 1 कितना, 5 प्लस 196 और 16, 6 6 12 के दो हाथ में 1, और ये हो जाएगा 9 और 1 10, 10 और 1 11 के हाथ में 1, 1 और 1 2, अब बराबर इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 9 6 15 के पाँच हाथ में 1, 5 1 6 ये 2। आप खुद देखिए ये दोनों को तो पहले जोड़ ही नहीं सकते हैं, क्यों जोड़ेंगे, ये तो अलग अलग है ना, तो ये दोनों कहाँ बराबर आया है, तो जब ये बराबर नहीं आया है तो ये संरेखी नहीं है, ये क्या है, असंरेखी है। ठीक है, अगर इधर भी रहता, जैसे अगर कुछ देर के लिए मान लीजिए कि इधर आ जाता रूट पाँच, ठीक है, इधर भी अगर ये दोनों को जोड़ने के बाद आ जाता रूट पाँच, इधर भी आ जाता अकेले रूट पाँच, तो ये दोनों बराबर अगर होता, ये दोनों मिला के इसके बराबर होता तो उसे कहते हैं संरेखी, लेकिन ये तो है ही नहीं, तो ये हो जाएगा असंरेखी। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उम्मीद करते हैं कि समझ आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो देखिए, अगर हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचाइए जिसको मैथमेटिक्स से डर लगता है, मोहब्बत हो जाएगा मैथमेटिक्स से। देखिए बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस देखिए इस एक्सरसाइज में सिर्फ दूरी फार्मूला का कमाल है। अगर दूरी फार्मूला दिमाग, दूरी फार्मूला क्यों यूज करते हैं, कब करते हैं, अरे यार दूरी फार्मूला का मतलब बाबू होता है कि यहाँ से अगर कुछ दूर जाना है, ठीक है, तो दो तरीके से नापते हैं। अगर आपके पास इंची टेप है तो यहाँ से वहाँ नाप लीजिए, लेकिन यहाँ इंची टेप का बात नहीं किया, यहाँ किसका बात किया है, आपको यहाँ से हम मापना है तो इस टाइप का नंबर दिया है। भाई इस टाइप का नंबर तो हम लोग जानते नहीं है, तो जब नहीं जानते हैं तो उसके लिए दूरी फार्मूला बनाया गया है। इसके पहले वाले में से इसके पहला वाला घटाओ, फिर दो नंबर वाले में से इसके ये घटाओ, तो पता चल जाएगा यहाँ से यहाँ कितना दूर है। यही तो रूल होता है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि पहले इस फिगर को देख लीजिए, कह रहा है कि इसको जाँच कीजिए कि क्या यह जो निर्देशांक आपको दिया गया है 3 किस त्रिभुज पर है, समद्विबाहु पर है। समद्विबाहु मतलब होता है जिसकी दो भुजा यानी दो गो लाइन आपस में बराबर हो। तो आप बताइए कि अगर ये और ये चाहे कोई भी दो गो लाइन बराबर हो तो उसे कहते हैं समद्विबाहु। सम माने बराबर, द्वि यानी दो, बाहु यानी बाह, यानी जिसका दो गो बाह बराबर हो उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु। तो यहाँ बीच की दूरी निकालते हैं, अगर कोई दूरी दो गो बराबर हो गया तो समझ आ दो गो बराबर है तो समद्विबाहु है। ठीक है, तो इसका नाम रख देते तो अच्छा रहता है, ए बी सी। पहले ए बी निकाल लेते हैं, फिर बी सी निकाल लेते हैं, फिर ए सी। अगर कोई दो गो बराबर आया तो समझ जाइएगा कि क्या समद्विबाहु है, क्योंकि दो गो पूछा है। ठीक है, तो पहले ए बी के बीच की दूरी निकालिए। फॉर्मूला क्या होता है, एक ही बार लिख रहे हैं, x2 में से x1 को घटाइए, स्क्वायर डालिए, और y2 में से y1 को घटाइए, स्क्वायर डालिए। ए बी के लिए ए से बी, यही ना है, ए पर क्या है 5,2, अब बी पर क्या है 6,4, यहाँ से यहाँ ये नाप रहे हैं ये लाइनवा कितना दूर है। ठीक है, तो एक्स टू यानी कि 6 - 5 का स्क्वायर प्लस -4 - 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 6 में से 5 जाएगा, वो कितना बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस -4, माइनस माइनस क्या होता है +2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 का प्लस 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, माइनस में आ 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 × 2 = 4, ये हो गया आपका √5। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो √5। ये किसका निकालिए, ए बी का। अब निकालिए बी सी का, बी से सी ये वाला। तो एक्स टू में से एक्स वन को घटाइए तो क्या होता है 7 में से 6 को घटाइएगा और प्लस -2 में से -4 को घटाइएगा, यानी -2 में से घटाना है कितना -4। ये ऑलरेडी फार्मूला का एगो माइनस है, एगो दिया है यहाँ पे। ठीक है, इसको घटाइए, दो गो ब्रैकेट, दो गो सिंबल रहता है तो ब्रैकेट डाल देते हैं। 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा -2 और माइनस माइनस प्लस में 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और प्लस 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 और 1 कितना हो गया 5। यहीं पे पता चल गया, बताइए तो ए बी वाला लाइन रूट 5 मीटर लंबा है, ये कितना है 5। अब बी सी वाला लाइन जो निकाले हैं वो भी कितना है रूट 5 मीटर लंबा है। तो आप क्या पढ़ रहे हैं, कह रहा है कि समद्विबाहु है, तो जिसका दो गो बाह बराबर होता है उसे क्या कहते हैं समद्विबाहु। तो तीसरा जब निकालिएगा ना तो ये कुछ अलग आएगा, इसका मतलब कि जब दो गो बराबर है इसीलिए फिगर क्या है समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि त्रिभुज ए बी सी एक क्या है
समद्विबाहु, ठीक है, त्रिभुज है। और रीजन लिखना है क्योंकि इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। तो आप देर मत कीजिए, शेयर भी ज्यादा कीजिए, और बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे क्या कह रहा है। बहुत आसान है। यहाँ चंपा चमेली के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये चंपा चमेली है कौन और ये क्या करने आ रही है। चंपा चमेली एक फ्रेंड है, फ्रेंड समझते हो ना, सहेली, ठीक है। जिस तरह फ्रेंड दोस्त होता है लो, ठीक है, वैसे ही ये दोनों एक दूसरे समझिए तो दोस्त है, ठीक है, सहेली सहेला जो भी होता है, ठीक है। किसी कक्षा में चार मित्र बिंदु, यहाँ पे लिखा है बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है चार गो मित्र हैं, एगो ए पर बैठा है, एगो बी पर, एगो सी पर, एगो डी पर। यहाँ चंपा चमेली अंदर आती हैं और इस कमरा में देखती हैं कि अच्छा ये जो चारों बिंदु है, ठीक है, चंपा कहती है चमेली से कि ऐसा नहीं लग रहा है कि जो चारों बैठा है वो वर्ग पर बैठा है। वर्ग का मतलब क्या होता है, मतलब कि ऐसे अगर लाइन मिलाया जाए, ठीक है, तो वर्ग बनेगा। वर्ग का मतलब जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, माने इसकी दूरी जितना होगा उतना इसकी भी होना चाहिए, इसका होना जितना सबका इक्वल होना चाहिए, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ग। तो यही चंपा बोली है चमेली से कि अच्छा चमेली एक बात बताओ, तुमको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो बैठा है सब चारों दोस्त ये को वर्ग पर बैठा है, अगर इसको हम मिला दें तो चारों भुजा बराबर होगा, ऐसा तुमको लग रहा है कि नहीं। चमेली बोली हमको तो नहीं लग रहा है, ठीक है, तो चलिए हम लोग जांच करते हैं वही कि सही में ये वर्ग है कि नहीं। तो वर्ग का जांच करने का तरीका, अगर ये लाइन चारों लाइन आपस में बराबर आ गया तो समझिएगा वो एक वर्ग है। ए से बी की दूरी निकालिए, बी से सी की दूरी, सी से डी की दूरी, ये सब निकालिए। लेकिन आप बताइए कि उसमें तो निर्देशांक ऐसे कुछ दे रहा था ना, इसमें दिया है, तो जी हाँ इसमें भी दिया है। देखिए ना, ए ए के नीचे देखिए तो एक्स पर आके मिलता है 3 पर, इधर देखिएगा तो वाई किस पर मिला, 4 पर, ये मिल गया इसका निर्देशांक। वैसे ही बी पर देखिएगा तो बी मिला एक्स, पहले एक्स के तरफ देखते हैं 6 और वाई हो गया आपका 7। सी पर देखिएगा तो पहले 9 मिला और यहाँ पे देखिए इधर देखिएगा तो आपका 4 हो जाएगा, और डी पर देखिएगा तो हो गया 6 और इधर देखिएगा तो 1। अब इस सब के बीच की दूरी निकालो, अगर सब बराबर है तो समझिए सही है, अगर बराबर नहीं है तो यहाँ पे कौन हो जाएगी, चंपा गलत है, क्योंकि चंपा को लगा है, ठीक है, कि ये वर्ग है, मैंने चारों भुजा बराबर है। तो देखते हैं ए बी की दूरी कितना आ रहा है, यहाँ देखिए ए बी के बीच की दूरी, वही दूरी फॉर्मूला से एक्स टू में से एक्स वन घटाइए, तो ये 6 में से 3 को घटाइए, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए तो बाबू 6 में से जब 3 घटाइएगा तो 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 तरीका हो जाएगा कितना आपका, 3 तरीका हो गया 9 प्लस ये भी 3 तरीका कितना हो गया, 9 हो गया, 9 और 9 कितना हो गया, रूट अंडर 18 का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 18 हो जाएगा, 3 तरीका 9 9 9 18। ए बी का लंबाई ए बी की कितना हो गया 18। अब बी सी की लंबाई देखिए, बी से सी की दूरी ई कितना लंबा हो रहा है, ठीक है, तो एक्स टू में से एक्स वन घटाइए तो 9 में से 6 घटाइए, यानी 9 में से 6 घटा के स्क्वायर लिखे प्लस 4 में से 7 घटाइए, तो 4 में से 7 को घटा लीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 तरीका 9 और ये भी हो जाएगा 9। अब ये मत सोचिए कि माइनस में 9, आप खुद देखिए तो माइनस 3 को दो बार लिखिएगा, 3 तरीका 9 होगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाता है, तो दो को यहाँ, इसीलिए हम बार बार इसको नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, वो डाउट में मत आइएगा। ये कितना हो गया रूट 18, यानी कि ये भी है, देखिए यहाँ पे ए बी और बी सी दोनों लाइन बराबर है। अब इसके बीच की दूरी निकले, चारों बराबर है तभी तो इसको बोलेंगे वर्ग है, तो चंपा जी सही हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे सी डी निकालो, सी डी की दूरी सी से डी, एक्स टू में से एक्स वन घटाओ तो एक्स टू 6 में से यानी 9 घटा लो स्क्वायर प्लस 1 में से 4 घटा लो स्क्वायर, 6 में से 9 जाएगा तो माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस माइनस में 3 का स्क्वायर, इसको भी घटाएगा, 3 तरीका 9 प्लस 9, 9 और 9 कितना हो गया 18, क्या बात है, ये भी आ गया रूट 18। अब बच गया ए डी, ए डी का निकाल लो, इसमें 6 में से 3 घटा लीजिए का स्क्वायर प्लस 1 में से 4 को घटा लीजिए, ठीक है, तो जब ये बाबू घटाइएगा तो ये बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 3 तरीका हो गया 9 प्लस 9 और 9 और 9 कितना हो गया 18। वाओ, देखिए तो यानी कि ए बी
लाइन BC के बराबर है, BC लाइन CD के बराबर है, CD लाइन AD के बराबर, यानी जब चारों लाइन आपस में बराबर है, ठीक है, चारों बराबर आया है कि नहीं, इसका मतलब यह क्या है, यह वर्ग है, यानी इनमें से कौन सही है, तो चंपा सही है। चमेली को डाउट था तो वो डाउटे में रह गई, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उम्मीद करते हैं कि समझ आया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, देखिए बहुत क्वेश्चन आसान है, अरे काम भारी नहीं होता है, इरादा कमजोर जब हो जाता है ना तो काम ऑटोमेटिक भारी लगने लगता है बाबू, तो इरादा को मजबूत रखिए, क्वेश्चन को बनाइए, आपका एग्जाम बहुत करीब है तो यहाँ मेंटली प्रेशर लेकर नहीं बनाना है, नहीं तो जानते होता क्या है, अब जैसे एग्जाम जितना करीब आता है ना सब सब्जेक्ट को इधर उधर रख लीजिएगा, कभी मन करेगा साइंस पढ़े, कभी मन करेगा मैथ पढ़े, कभी मन करता है हिंदी पढ़े, इंग्लिश पढ़े, उर्दू पढ़े, समझ में ही नहीं आता है कौन पढ़े, पांच मिनट ये मैथ देखेंगे तो 10 मिनट पहले से ही टेंशन साइंस का चलते रहेगा, 10 मिनट साइंस देखेंगे तो 20 मिनट पहले से ही हमका संस्कृत पढ़ना है, उर्दू पढ़ना है, इसका टेंशन दिमाग में रहेगा। टेंशन नहीं लेना है, अभी से रणनीति बनाइए, रणनीति बना करके और अपने हिसाब से बनाइए, ये मत बनाइए कि पढ़ना कितना है, रूटीन तो बाबू सबको ही बनाता है लेकिन उस रूटीन को फॉलो कोई नहीं करता है। सबसे पहले रूटीन बने कि आप कहां कहां बिजी रह रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है, एक बार आपको रूटीन के अकॉर्डिंग भी हम बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ाई करना है, ठीक है, पहले सिलेबस को थोड़ा सा देख लें। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज के प्रकार, यहां पे देखिए तो चार बिंदु दिया है, चार बिंदु दिया, इसका मतलब क्या, चार को कहीं बिंदु होगा और चारों मिलाकर के क्या बनेगा, चतुर्भुज बनेगा, यानी कि क्वाड्रिलेटरल बनेगा। अब वो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा तो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा भाई, चतुर्भुज किस टाइप का, चतुर्भुज का मतलब होता है चार भुजा से जो बने उसे चतुर्भुज कहते हैं, ये भी एक चतुर्भुज है, ये भी एक चतुर्भुज है, ठीक है, ये भी एक प्रकार का चतुर्भुज है, सब तो चतुर्भुज है, ये सब कितने बिंदु से बना है, चार बिंदुओं से मिलकर बना है और चार लाइन है, लेकिन किस टाइप का, जैसे कि इसको कह सकते हैं हम आयत है, ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं, ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, पैरेललोग्राम, इसको रोम्बस कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि इसमें क्या है भाई, ये तो आमने सामने वाला बराबर हो, ठीक है, और ये वाला लाइन आपस में बराबर हो तो उसे हम लोग कहेंगे भाई चलिए ये आयत हो गया, ठीक है, तो इसमें क्या है, आखिरकार ये चतुर्भुज है, चार पॉइंट है तो चतुर्भुज तो है ही, लेकिन कौन सा चतुर्भुज है यही बताना है, ठीक है, विच टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, तो यहाँ देखिए एक काम करते हैं, हम एक फिगर बना लेते हैं कोई भी चतुर्भुज अपने से मान करके, ठीक है, माइनस एक कमा माइनस दो इसको लिखते हैं, एक कमा जीरो लिखते हैं, ठीक है, माइनस एक कमा दो लिखते हैं और चौथा नंबर जो लिखा है लिखते हैं, इसके बीच की दूरी निकालते हैं, अगर सब बराबर आ गया तो चतुर्भुज में कौन सा चतुर्भुज, यानी स्क्वायर हो जाएगा, अगर दो ही ठो बराबर आया सामने सामने वाला तो सामने सामने वाला आयत में बराबर होता है, तो चलिए एक बार करके देखते हैं, इसके बीच की दूरी निकालिए, ए बी सी डी, ए बी कितना लंबा है, ए बी के बीच की दूरी, फॉर्मूला तो आपको पता है, एक्स टू में से एक्स वन घटा देना है तो वन माइनस में से वन घटा देना है होल स्क्वायर प्लस जीरो में से घटा दो माइनस में टू, यहाँ हो जाएगा वन माइनस माइनस प्लस वन का स्क्वायर और प्लस ये कितना हो जाएगा दो का स्क्वायर, देखिए ध्यान से समझते चलिएगा बाबू, एक और एक कितना हो जाएगा दो और प्लस ये दो, दो का स्क्वायर रखिए यहाँ पे भी दो का स्क्वायर रखिए, दो का स्क्वायर कितना होता है चार प्लस चार, चार और चार कितना होता है रूट में आठ, आठ का वर्गमूल टू रूट टू हो गया, ठीक है, ये आ गया आपका टू रूट टू। एक बार ये बी सी निकाल के देखते हैं, ये भी कहीं उतना ही बड़ा तो नहीं है, हम तो ऐसे ही नॉर्मली बना दिए, मत कहिए कि ये आयत है, ठीक है, बी सी की दूरी निकालना है, अब बी सी की दूरी निकालिए, एक्स टू में से एक्स वन घटाइए, फॉर्मूला आपको पता है ना बीच की दूरी का, यहाँ से यहाँ निकालना हो तो एक्स टू में से एक्स वन, इसका पहला वाला में से इसका पहला वाला घटाते हैं, फिर इसके पहला वाला में से ये पहला वाला, माइनस वन में से माइनस वन घटाएं और प्लस स्क्वायर लिख देते हैं, दो में से जीरो को घटाना है, स्क्वायर रहता है, ठीक है, ये एक और एक माइनस में दो का स्क्वायर और प्लस ये भी कितना हो जाएगा दो का स्क्वायर, देखिए तो ये भी वही आएगा, दो और दो चार प्लस चार बराबर रूट में आठ और आठ का वर्गमूल होता है टू रूट टू, क्या बात है, ये भी टू रूट टू आ गया। तीसरा निकालते हैं डी सी सी डी, तीसरा सी डी क्या होगा, ये देखिए अगर इसको मानते एक्स टू में से एक्स वन घटे तो माइनस थ्री में से घटा लीजिए माइनस वन का स्क्वायर, किसी को भी मान लीजिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है बाबू, यहाँ देखिए और यहाँ पे क्या घटेगा टू में से, यानी कि ये घटा है ना तो यहाँ घटाइए जीरो में से घटा लीजिए दो, ठीक है, इसमें से घटाइए चाहे इसमें से, जिसको आपको मन करे मानिए, सब वही होता है, माइनस थ्री अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस टू का होल स्क्वायर वन हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा माइनस दो का स्क्वायर, जब ये घटाइएगा तो तीन में से एक जाएगा तो माइनस में दो का स्क्वायर
अब प्लस में हो, ये भी माइनस है में दो का स्क्वायर, दो दूना कितना हो गया चार प्लस ये भी चार, चार और चार रूट में आठ, आठ का वर्गमूल टू रूट टू। अब देखिए ये भी टू रूट टू, अब ये कन्फर्म हो गया एक चीज़, क्या कन्फर्म हो गया, ये भी उतना ही आए, ये भी उतना, ये भी है, तो ये भी टू रूट टू ही आएगा। ठीक है, इसका भी सी डी यानी आप निकाल लीजिएगा, थोड़ा सा जगह का कमी है तो सी डी हो जाएगा, यहाँ सी से डी के बाद ए डी जब निकालिएगा, ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं तीन में से ये एक घटाएगा तो दो बचेगा और जीरो है यहाँ दो है, तो हर जगह जब दो दो बच जा रहा है तो दो दूना चार और चार क्या हो जा रहा है आठ हो जा रहा है। यहाँ देख भी लीजिए ए डी जगह है तो थोड़ा सा बना दें, तीन में से यहाँ देखिए x2 में से x1 को घटे माइनस तीन में से क्या घटाएगा माइनस में वन को घटाइएगा, अब प्लस यहां जीरो में से माइनस दो घटाइए, यहां समझिए तीन और माइनस माइनस प्लस, तो तीन में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में आपका हो जाएगा दो का स्क्वायर, अब प्लस ये भी हो जाएगा दो का स्क्वायर, ये दो का स्क्वायर होता है चार प्लस ये भी चार हो जाएगा, चार चार रूट आठ और आठ का वर्गमूल टू रूट टू हो जाएगा। जब ये टू रूट टू हो गया, ये भी टू रूट टू हो गया, सब आ गया है, सब बराबर है, तो आप देख सकते हैं कि जिस त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर हो, एक और काम कर सकते हैं, अगर यहाँ से काटेंगे इसको निकालिए, इसको निकाल, जब इसको भी बीच की दूरी ही निकालना है कितना बड़ा है, तो ये दोनों बराबर ही आएगा। ए से लेके सी तक कैसे निकालिएगा, ये एक्स टू हो जाएगा, ये एक्स वन वाला इलाका हो गया, ये एक्स टू वाला, इसके बीच की दूरी निकाल लीजिए, सब बराबर हो गया। तो सब बराबर लाइन किस में होता है, वो आपको होता है स्क्वायर में, स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग, वर्ग का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, तो वर्ग में सब भुजाएं बराबर हो, तो यह एक, यह चतुर्भुज जो है किस प्रकार का है, वर्गकार है। नीचे आप लिख लीजिएगा कि यह चतुर्भुज क्या है, एक वर्गकार है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला समझ में आया होगा, इसको भी वही चेक करना है, सबके बीच की दूरी निकालिए, अगर सब बराबर आया तो समझिएगा वर्ग है, अगर आमने सामने वाला बराबर आया तो समझिएगा आयत है, या फिर एक और चीज होता है आमने सामने वाला बराबर हो जाए तो वो होता है आपका समांतर चतुर्भुज, तो वो इस हिसाब से ही बना सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, दो नंबर क्वेश्चन, दो नंबर क्वेश्चन में क्या कीजिए, चतुर्भुज है एक, तो जब चतुर्भुज है तो चतुर्भुज ऐसे होता है ना जी, चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज है हमको कुछ नहीं पता है, ये तो निकालने के बाद पता चलेगा। यहाँ देखिए माइनस तीन कमा पाँच, तीन कमा एक, जीरो कमा तीन, और ये हो जाएगा माइनस एक कमा माइनस चार। ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी और इसको मान लेते हैं डी। पहले ए बी के बीच की दूरी निकाले, फिर किसका बी सी का निकालेंगे, फिर इसका, अगर सब बराबर आया तो कुछ ना कुछ तो चतुर्भुज होगा ही, नाम रखेंगे उसका, ए बी का निकालिए। ए बी के बीच की दूरी क्या होता है, एक्स टू में से एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, तो हो जाएगा थ्री माइनस थ्री हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी y2 माइनस y1 का स्क्वायर, आपको बीच की दूरी का फॉर्मूला पता है, तीन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तीन का होल स्क्वायर, ये आपका क्लियर है ऐसे, सही है, प्लस ये घटेगा तो माइनस में चार का स्क्वायर, तीन और तीन कितना छः का स्क्वायर, प्लस चार चौका सोलह हो जाएगा, छः का स्क्वायर कितना होता है छत्तीस प्लस सोलह, छः छः बारह के दो हाथ में एक, तीन एक चार और एक पाँच, रूट में 52 ये आया, क्या ये भी उतना आ सकता है BC के बीच की दूरी देखते हैं, BC X2 में से X1 को घटाइए यानी 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 यानी 3 माइनस 1 का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर कीजिएगा तीन तरी का नौ, प्लस तीन में से एक जाएगा तो दो, दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा चार, नौ और चार कितना होता है तेरह, यहाँ देख लीजिए मामला तो फंस गया, इसका 52 आया और इसका में कितना आया रूट में 13, ये तो दोनों बराबर लाइन नहीं है, ठीक है, हम लोग तो अलग तरीका से पढ़े हैं ना, इसका भी एक बार निकाल लेते हैं बाकी पता चल जाएगा, किसका निकाल लें सी डी, एक्स टू क्या है, एक्स टू मान लीजिए इसको तो एक्स वन ये होगा, जीरो माइनस थ्री ऐसे वन है का स्क्वायर, अब प्लस ये थ्री माइनस फोर, तो थ्री में से घटाना है माइनस में का फोर को घटाना है, ये अब इसको मिटाते हैं, यहाँ देखते चलिएगा, ये देखिए माइनस माइनस प्लस एक का स्क्वायर एक ही होगा, माइनस माइनस प्लस तीन और तीन और प्लस चार ऐसे स्क्वायर हो जाएगा, अगर ये बात करें वन प्लस तो तीन और चार कितना होता है सात का स्क्वायर, वन प्लस सात सत्य कितना होता है उनचास, उनचास और कितना हो गया पचास, लो भाई ये तो रूट पचास आ गया, मामला तो फंस गया। आप देखिए ये कौन सा चतुर्भुज है भाई,
चार भुजा से बने फिगर को चतुर्भुज कहते हैं। तो चार भुजा से बहुत सारा फिगर बनता है, वर्ग भी बनता है जिसकी चारों भुजा बराबर है। आमने सामने की अगर बराबर हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है तो आयत है, ठीक है। लेकिन इसमें कोई लाइनें बराबर नहीं है। यहाँ पहला वाला आया है, देखिए यहाँ पे रूट में 52, दूसरा वाला में आया है रूट 13, तीसरा वाला में रूट 50। जब कोई यहाँ लाइनें बराबर है तो ये कोई चतुर्भुज ही नहीं बना। तो यहाँ पे लिखे यह चतुर्भुज है ही नहीं भाई, ये कौन सा चतुर्भुज है पते ना, ये चतुर्भुज का कोई नाम ही नहीं है, ठीक है। चौथा आप खुद से निकाल लीजिए, AD के बीच की दूरी, ये भी कुछ अलग ही आएगा, अनोखा ही आएगा, ठीक है। ये अनोखा चतुर्भुज है, नया नाम आ गया ना, लेकिन अनोखा कुछ नहीं होता है, ये समझिए। तो ये चतुर्भुज एक प्रकार का देखा जाए तो कोई लाइन बराबर नहीं है, ठीक है, इस चतुर्भुज का कोई नाम नहीं है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। 3 नंबर क्वेश्चन आपको इसका खुद बनाना है, वो कुछ ना कुछ फिगर का नाम आपको देना है, उसमें बताइएगा कमेंट करके, सिर्फ इतना बताइएगा कि आखिरकार वो कौन सा चतुर्भुज है। मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा, बेहतर रिजल्ट आएगा, नाम आपका रिजल्ट करेगा, आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ये बाबू दिमाग में बैठा लीजिएगा, एग्जाम करीब है, ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस कीजिए। फिर हम लोग बिना देर किए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को बाबू गौर से आप देखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए ये समदूरस्थ और संरेखीय दो ठो क्वेश्चन कभी जिंदगी में पीछा नहीं छोड़ता है, हर एक एग्जाम में ये गारंटी है कि बाबू ये आता है। इसे इसको प्यार से पढ़िएगा, बहुत ही डीपली समझिएगा। ये लड़का जैसा देखता है, एक सब कहता है छोड़ो इसको अगला क्वेश्चन देखो, अरे ऐसे करते करते सब क्वेश्चन वहाँ छोड़ दोगे, पता चलेगा कि 60 अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें 40 को नहीं बन पाए, 20 को ना बन पाएगा, छोड़ो मत, जो नहीं आ रहा है ना वहाँ रुको, वहाँ समय दो, ठीक है, उसको बिना सॉल्व करे आगे मत बढ़ो, कुछ अपने आप में ठानो तब जाके कुछ बेहतर होगा, ठीक है। यहाँ देखिए कर रहा है, ध्यान से समझ, समदूरस्थ का मतलब आपको हम समझा चुके हैं, वीडियो आप दो देखे होंगे, तो समदूरस्थ यानी कि समदूरस्थ माने वो कहीं पॉइंट होगा। अब बोलेगा कि इस पॉइंट से अगर एक छोटुआ है एक छोटिया है, मान लो कि यहाँ बैठने का जगह है, तो आपसे बोल देगा कि एक पॉइंट जहाँ बैठने का जगह है वहाँ से छोटुआ का घर और छोटिया का घर बराबर है, अगर 2 किलोमीटर दूर से ही आ रहा है तो ये भी आ रहा है, तो डायरेक्ट बराबर है ना कह करके एक मैथ में भाषा आता है कि यहाँ से छोटुआ का घर और छोटिया घर समदूरस्थ है, यानी दोनों का दूरी अगर बराबर है तो उसे बोलते हैं समदूरस्थ, ठीक है। तो यही बोला है, कह रहा है इसको बोलते हैं वाई अक्ष और इसको बोलते हैं हम लोग एक्स अक्ष, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि एक्स अक्ष पर बात बोल रहा है, इस पर कहीं, ठीक है, ये देख लीजिएगा एक्स अक्ष पर। तो आप बताइए कि हम अगर कहीं पे एक पॉइंट ले लें, हमको कोई मतलब नहीं इधर ले चाहे इधर ले, बस इसी पर, तो यहाँ अगर पॉइंट लेंगे तो वाई का मान क्या होगा, ठीक है, आप खुद सोच के देखिए। अगर हम यहाँ पॉइंट लेते हैं ना तो आपसे पूछेंगे एक्स का मान, तो आप नीचे देखिएगा कि ये कहाँ पे है, और वाई का मान पूछेंगे तो इस साइड देखिएगा, यानी दाएं साइड देखिएगा, कहीं से देखिएगा वाई की तरफ देखिएगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट होगा तो एक्स अक्ष पर तो है, लेकिन वाई के लिए वाई के लाइन की तरफ देखिएगा तो पता चलेगा कि ये तो जीरो है, वाई का मान कहाँ पे है, यहाँ पे जीरो है। तो यहाँ ऑलरेडी बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स अक्ष पर एक्स का मान जीरो। यहाँ से 2 बिंदु है जिसका नाम है 2, -5 और -2, -9, क्या यह समदूरस्थ है, वह बिंदु ज्ञात कीजिए। यहाँ कह रहा है आपको क्वेश्चन में कि एक्स अक्ष पर कहीं पॉइंट है, ठीक है, अब पता नहीं है कि कौन सा है, एक पे है कि 2 पर है कि 3 पर है कि 4 पर है कि 5 पर है, कहीं ना कहीं एक पॉइंट है, और वहाँ से अगर दूरी माप रहे हैं ना किसका, 2, -5 का, -2, -9 का, तो क्या हो रहा है, दोनों दूरियां बराबर आ रहा है। कुछ देर के लिए मान लीजिए कि ये वाला हो गया पॉइंट एक्स अक्ष पर, तो ये एक्स अक्ष क्या हो जाएगा, 1, 0, क्योंकि एक्स वाले लाइन पर वाई 0 होता है, ठीक है, और यहाँ से कौन दूरी 2, -5 और यहीं से -2, -9, कह रहा है कि ये दोनों दूरी बराबर है, दोनों दूरी बाबू क्या दिया है बराबर है, तो इस x का मान निकाले, तो आप इसका भी दूरी का फॉर्मूला से लगाइए, इसका अगर दोनों का बराबर आ गया तो आराम से निकल जाएगा, इसका नाम ABC, AB का निकालिए, बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 में से x1 घटाइए, 2 - x² अब प्लस ये वाला हो गया, अब -5 में से 0 को घटा दीजिए, ठीक है। AB का दूरी किसके बराबर आना चाहिए, A से लेकर के AC के दूरी के बराबर आना चाहिए, अपने से निकल जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा x का मान, ठीक है। ये हो जाएगा आपका A - B के 2 होल स्क्वायर होता है A² + B² - 2AB अब प्लस ये 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो 5 का स्क्वायर डायरेक्ट 25 लिखिए, 0 घटाने से तो कोई फायदा है नहीं। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 + x²
माइनस दो दूना चार एक्स प्लस पच्चीस, पच्चीस और चार कितना होता है उनतीस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स, ये ए बी निकल गया। अब यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, ए सी निकालते हैं। ई वाला देखिए दोनों दूरी तो बराबर ही ना होगा, तो बराबर कर देंगे निकाल करके, ए सी इसको हटा दें, ए सी बराबर होता है इसमें से घटे एक्स टू में से माइनस टू माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका प्लस नौ माइनस जीरो का स्क्वायर, ए माइनस बी के द होल स्क्वायर, पूरा को ए मानिएगा तो हो जाएगा कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू, ए का मान माइनस दो और बी का मान एक्स, अब प्लस नौ का स्क्वायर इक्यासी होता है, ठीक है, दो का स्क्वायर चार और प्लस एक्स का स्क्वायर एक से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और दो दूना चार एक्स प्लस इक्यासी, ये हो जाएगा इक्यासी और चार कितना होता है पचासी, एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स प्लस में कितना 85, ठीक है। अब ये दोनों का होता है बराबर है ना है, तो दोनों को बराबर कीजिए, ए बी बराबर ए सी, ए बी का मान कितना आया है, ए बी का मान आया है रूट उनतीस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, अब बराबर इसका मान आया है एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स प्लस पचासी, रूट से रूट खत्म हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, बचा यहाँ पे उनतीस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स, और यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका चार एक्स, अब प्लस में कितना हो जाएगा पचासी, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में जब एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में हो गया तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करो, एक्स वाले को एक तरफ लाओ और नंबर को एक तरफ भेजो, ठीक है, उसके लिए यहाँ स्टेप देखिएगा आप, ठीक है, ये दोनों को हम बराबर किए हैं ये समझ लीजिए, इसके बाद से ये वाला स्टेप लिखिएगा सेकेंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट के बाद से सेकेंड ये, थर्ड वाला ये स्टेप लिखिएगा, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप इधर है जो जो कि आया है उसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ आया कितना है 29 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो गया 85 बराबर, इधर है 4x, ये माइनस में 4x इधर जाएगा तो प्लस में 4x, इसको ऐड कीजिए 9 और 5 14 के चार हाथ में नहीं घटा दीजिए, माइनस है ना तो घटा दीजिए, प्लस में इधर जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा, इसमें जाएगा तो 15 में से जब 9 घटाइएगा तो आपका बचेगा कितना 6, और ये हो जाएगा आपका 8, 7 हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो कितना हो गया 5, और ये हो जाएगा 8, 8 सत्ते 56, एक्स बराबर 7 लेकिन माइनस में, ठीक है, तो x का मान कितना आ गया माइनस 7। अब बात आ गया, कह रहा था याद है ये फिगर, किस बिंदु पर, तो माइनस 7 वाले बिंदु यहाँ पे होगा, जहाँ पे क्या होगा माइनस 7, वहाँ से 2 का मान माइनस 5 कहीं होगा आई और कहीं होगा, ये दोनों के बीच की दूरी आपस में क्या होगा बराबर होगा, इसीलिए वो समदूरस्थ है, तो यही निकालना था। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उम्मीद करते हैं कि समझ आया, समझ आया तो शेयर भी कीजिए, बिना देर किए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट कह रहा है, वाई का मान ज्ञात कीजिए, लग रहा है कुछ वाई कहीं दिया होगा, ठीक है, जिसके लिए बिंदु पी यहाँ पे दिया है 2, -3 और क्यू दिया है 10, -10 वाई के बीच की दूरी 10 मात्रक है। मान लीजिए कि एक पॉइंट है P, इसका मात्रक कितना दिया है 2, -3, और एक पॉइंट है Q, यहाँ P हो गया, ये हो गया आपका Q, इसका मात्रक कितना दिया है 10, y, और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी दे दिया है, यहाँ से यहाँ दूरी कितना दे दिया है, दूरी आपका 10 मात्रक दे दिया है, यानी दूरी हमको दे दिया है कितना 10 मात्रक, यानी 10 दे दिया है। अब बोल रहा है वाई का मान क्या कर दें, निकाल दें, तो दूरी फार्मूला क्या होता है, दूरी फार्मूला यहाँ होता है अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, दूरी कितना दिया है 10 दिया है, देखिए वाई का मान कैसे चुटकियों में निकल जाएगा, एक्स टू कितना दिया है, एक्स टू दिया है आपको 10 माइनस एक्स वन दिया है आपको 2 का स्क्वायर प्लस वाई टू दिया है माइनस वाई वन दिया है 3 का स्क्वायर, समझते चलिएगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 10 बराबर, ये हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा तो बचेगा 8 का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर। यहाँ गौर से देखिएगा, ये रूट है ना,
दो तरीका से बनता है। बहुत लोग करते क्या है कि दोनों तरफ वर्क करेंगे, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। रूट है ना, बताए थे कि जब रूट स्क्वायर इधर रहेगा इधर जाएगा तो रूट में हो जाता है, तो फिर रूट इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर ये रूट को इधर भेजे तो स्क्वायर हो गया, यहाँ 8 हटाई 64 हो गया, प्लस ए प्लस बी के द होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab, या प्लस में क्या हो जाएगा b का स्क्वायर, 10 दया 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 64 प्लस वाई स्क्वायर, 3 दूना 6y प्लस 3 तरीका 9, ठीक है। 64 9 ऐड करके इधर ला लीजिए, ये आपका हो जाएगा 100 माइनस 64 हो गया, ये भी माइनस 9 हो गया, अब बराबर इधर बच गया वाई स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है। यहाँ जब घटाइएगा तो 100 में से 64 जाएगा, 64 से 70 यानी कि आपका हो जाएगा 36, ये दोनों को ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 100 माइनस, ये दोनों को ऐड करने पर आपको आना चाहिए 73, और जब 73 ऐसे वाई स्क्वायर प्लस 6y, 100 में से 73 जाएगा तो आपका बचेगा यहाँ पे 27 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में वाई स्क्वायर प्लस 6y और माइनस में 27, ठीक है। इतना ये फर्स्ट इंटू लास्ट हो गया, आपको y का मान निकालना है, ठीक है। ये फर्स्ट इंटू लास्ट पर बना लीजिए वाई स्क्वायर, इसको तोड़िए तो हो जाएगा आपका 9y और माइनस 3y, 9 में से 3 जाएगा 6 और 9 तेरी 27 होता भी है, और ये हो जाएगा 27। y कॉमन लीजिएगा तो बचेगा y प्लस 9, इसमें माइनस 3 कॉमन लीजिएगा तो बचेगा y प्लस 9। एक बार बाहर वाला लिखिए y माइनस 3, एक बार अंदर वाला लिखिए y प्लस 9। अब देखिए, अब बराबर में सब जीरो रहता है क्योंकि इधर था, जब इधर चला गया तो इधर कुछ नहीं तो जीरो कहीं भी लिख सकते हैं, इस साइड लिखिए चाहे इस साइड लिखिए। एक बार जीरो के बराबर कीजिए इसको, तो y माइनस 3 बराबर जीरो, तो y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में y बराबर 3 आ गया। अगर एक बार करते हैं y प्लस 9 बराबर जीरो, तो y बराबर माइनस 9 आ जाएगा, ठीक है। तो y का मान आपका माइनस 3 भी हो सकता है, ठीक है, सॉरी 3 भी हो सकता है, माइनस 9 भी हो सकता है, आप 3 लीजिए, 10.3 हो जाएगा, ठीक है। आप अगर लेना चाहते हैं तो 10.-9 ये भी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, तो समझ में आए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या कह रहा है, गौर से बाबू समझिएगा क्या कह रहा है। करा यदि Q 0.1 है, डायरेक्ट हम यहाँ पे Q, P और R बोलेंगे, आप इसको समझ जाइएगा, ध्यान से समझिए। कह रहा है Q बिंदु P और R के से समदूरस्थ है, समझिएगा, यानी Q जो बिंदु है ना, Q एक कहीं बिंदु है, वो P और R, कहीं P और R है, और वहाँ से मान लो कि यहाँ P हो गया और यहाँ पे R हो गया, आई दोनों Q से समदूरस्थ माने बराबर समान दूरी पर है, समान दूरी पर स्थित है, इसीलिए इसको बोलते हैं समदूरस्थ है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉइंट है जिसका नाम है Q, और Q बिंदु से P और R ये दोनों क्या है, समदूरस्थ है, समान दूरी पर। अगर ये 2 मीटर होगा, ये भी 2 मीटर होगा, ये 4 मीटर की दूरी पर होगा तो ये भी 4 मीटर, दोनों दूरी आपस में क्या है, बराबर है। मतलब QR बराबर क्या हो सकता है, सीधा लिखते हैं QP बराबर QR, ये दोनों दूरी आपस में क्या है, बराबर है। इसका वैल्यू कितना दिया है, इसका वैल्यू दिया है 0.1, इसका वैल्यू कितना दिया है 5.-3, इसका वैल्यू कितना दिया है x.-6। अब बोल रहा है x का मान निकाले, तो ठीक है भाई ये दोनों दूरी बराबर है ना, तो यहाँ दोनों की दूरी को क्या कर दिए, ये दूरी क्या है आपस में, दूरी आपस में ये दोनों बराबर है, तो इस बीच की दूरी निकालते हैं कितना दूर पर ही है, Q से P की दूरी कितनी है और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो दूरी फॉर्मूला क्या होता है, इससे पहले निकालिए PQ अंडर रूट x2-x1 यानी 5-0 का स्क्वायर प्लस वो हो जाएगा -3.-1 का स्क्वायर, यहाँ 0 हो जाएगा। ये तो हो गया QP का, अब QR का, दोनों का दूरी बराबर है ना, है ये दोनों QR का, ये भी होता है x2 माने x-0 का होल स्क्वायर प्लस 6-1 का होल स्क्वायर, रूट से रूट इधर ख़त्म हो गया, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 3 और 1 4, 4 चौका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर, 6 में से 1 जाएगा 5, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 25-25 प्लस में 16 बराबर में x स्क्वायर, 25 से 25 खत्म, 16 बराबर x स्क्वायर, स्क्वायर है इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा 16 x स्क्वायर x हो जाएगा,
ठीक है, x बराबर आ गया आपका 4, प्लस माइनस लेके जाता है, जब भी स्क्वायर जाता है रूट लेकर के प्लस माइनस 4, यानी x का मान प्लस माइनस 4 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, x का मान यहाँ पे था ना, अब हो गया 4 का मान, ये 6 है तो 6, x का मान निकल गया। अब जब x का मान निकल गया तो कह क्या रहा है कि दोनों के बीच की दूरी निकालें, ठीक है, किसके तो QR, Q से लेकर के R के बीच की दूरी, ये वाला दूरी निकालें, उसके बाद से PR, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी निकालना है, ठीक है। तो पहले QR के बीच की दूरी निकालते हैं, QR बराबर यही, फिर वही x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, 0 से कोई फायदा होता नहीं है, तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16, और प्लस 5, 6 में से ही जाएगा तो 5 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये 16 प्लस 50 25 हो जाएगा, ठीक है। 16 और 25 कितना होता है, तो 6 5 11 के एक में 2 1 3 और 1 4, रूट अंडर 41 हो गया, ठीक है। पी से आर के बीच की दूरी जब निकालिएगा तो क्या होगा, अंडर रूट ये वाला है ना, तो x2 में से x1 घटाइए, 4 में से 5 को घटाइए और प्लस 6 में से 3 को घटाइए, तो 6 में से जब घटाइएगा माइनस 3 को घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 में से जब एक जाता है ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में 3 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1 होता है और प्लस यहाँ देखिए 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर 9 नवा 81 होता है, ठीक है। 81 और 1 कितना हो गया 82 हो गया, ठीक है। तो आपका एक रूट में 82 आया और एक आपका आंसर है अंडर रूट 41। तो यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी आपको निकल गया, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा। तो बिना देर के हम लोग लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का देखते हैं, बहुत ही आसान सब क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जैसे ये इंपॉर्टेंट आपका जो भी एक्सरसाइज है वो हम आपको कंप्लीट करेंगे, वैसे ही आपका 3-4 गाइड का निचोड़ वाला क्वेश्चन आपको लाया जाएगा। अगर एक बार कर लेते हैं दोबारा आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका 95-96 एकदम पक्का आएगा, ये गारंटी है मेरा, ठीक है। तो बिना देर की हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान है, कह रहा है x और y में एक संबंध ज्ञात करना है, एक संबंध बताना है रिलेशन की, इस x और y में क्या रिलेशन है, कोई संबंध है, कोई नाता रिश्ता है, और x y से यानी कहीं पॉइंट है जिसका नाम है x और y, इस x y से 3.6 और -3.4 से समदूरस्थ हो, यानी यहां से समान दूरी पर 3.6 हो और यहीं से समान दूरी पर क्या हो -3.4, ये दोनों की दूरी आपस में क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, तो अपने से इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी और इसका नाम सी, यानी ए से बी की दूरी और बी से ए से सी की दूरी अगर ये समदूरस्थ है तो एक्स वाई में क्या संबंध है। तो आप जानते हैं कि समदूरस्थ माने ये दूरी बराबर होगा, यानी कि ए बी बराबर क्या होगा एसी होगा। अब बस कुछ मत कीजिएगा, डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए दूरी फॉर्मूला से, क्योंकि दूरी पूछा है, यहाँ से वहाँ की दूरी क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ होता है x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 6 और y1 क्या है y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ac का, देखो ac a से c x2 माइनस x1 माइनस 3 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस y का होल स्क्वायर, रूट से रूट की कहानी खत्म, ये चैप्टर क्लोज, ये तो खत्म हो गया। तो ए माइनस बी के द होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, और ए माइनस बी के द होल स्क्वायर इसका भी लगाओ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी हो गया, ये सॉल्व हो गया। सेम ऐसे ही करो, ए पूरा को ए मानो, a माइनस बी के द होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए का मान है माइनस 3 और बी का मान है x, ठीक है, और फिर यहाँ प्लस a माइनस बी के द होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी हो गया, एक तरफ का ये हिस्सा एक तरफ का ये हिस्सा, 3×9 प्लस x स्क्वायर 3×2=6x प्लस 6×36 प्लस वाई स्क्वायर 6×12y इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 3×9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3×6x प्लस
चार का स्क्वायर चार चौका 16 प्लस वाई स्क्वायर चार दूना 8y, इतना आपको समझ में आया होगा। अब नंबर को एक तरफ भेज देते हैं और एक्स वाई को एक तरफ भेज देते हैं। तो एक काम करते हैं, 9 एक नंबर है, 36 एक नंबर है, ये दोनों को उधर भेजते हैं और इधर वाले को भेजते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, सिर्फ ये उतार रहे हैं ये दोनों को छोड़ के, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y, और प्लस में इधर आएगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 6x, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में वाई स्क्वायर, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 8y बराबर। इधर का बच गया 9 बचा प्लस 16 बचा। आइए देखिए, ये वाला आपका प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में 9, ठीक है। ये 36 आपका प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 36, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म, क्यों? क्योंकि ये प्लस और माइनस में रहता है तो खत्म हो जाता है। अब यहाँ देखिए, माइनस में 6 माइनस में 6 माइनस में 12x, ठीक। 12y में से 8y ये प्लस माइनस है तो घटाओगे तो बचेगा माइनस में 4y, ठीक है। ये आपका हो गया माइनस में कितना 4y इज इक्वल टू। अब यहाँ देखो थोड़ा सा ये भी सॉल्व कर लो, 16 और 9 कितना होता है, 16 9 25 होता है। मान लो कि यहाँ पे हो गया आपका 25, ये दोनों ऐड करोगे क्योंकि सेम है, तो 36 वो और 9 कितना होता है, टोटल मिला के आपका हो जाएगा 45, माइनस में 45, ये दोनों को घटा लीजिए आपका होगा माइनस, यहाँ से दोनों में से मैं ऐसे लिखते हैं, 45 में से जब 25 जाएगा तो आपका हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20, वो भी किस में, माइनस में। ये दोनों में से कुछ कॉमन लीजिए, 4 का पहाड़ा माइनस में 4 कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 4 3 12 3x और प्लस वाई बराबर माइनस में 20, माइनस से माइनस खत्म, 4 5 20 हो जाएगा, यानी कि 3x प्लस वाई बराबर 5। इस तरह से आपका आंसर आएगा समीकरण, और नहीं तो अगर इधर y भेजेगा तो 5 को इधर लाना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा 10 नंबर ये VVI क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। तो बाबू इसको मिस मत कीजिएगा, अगर मिस्टेक कीजिएगा थोड़ा सा तो समझिए नंबर गंवा देंगे, और ये 10 साल का मेहनत है, बड़ी इंसल्ट होगा जब नंबर खराब होगा। इसीलिए सिक्वेंस से आप वीडियो को देखते चलिए और मजा लेते चलिए, हर सब्जेक्ट आपका डीपली एकदम बहुत ही जबरदस्त तरीका से सॉल्व होगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले एक्सरसाइज में, तब तक के लिए जय हिंद।